मस्त गिफ्टिंग होती है ना इसको भी, और वो जो डांस करती है क्या नाम इसका, इशी, हाँ हाई सिस्टर, फाइनली आई एम टिकटॉक लाइव आफ्टर 17-18 मंथ्स. तुलसी, ओ यस आई नो यू, आप तो बहुत पुरानी थी. यस यस आई नो यू. ओके अब मुझे बताओ कैसे करना है, मैं करती हूँ क्या. ओके मैं अपने YouTube पे गई, अब क्या करूँ, शेयर, कॉपी लिंक, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट पोस्ट. अच्छा आई यूज़ ए सॉन्ग का, आया आया आया, आई यूज़ ए सॉन्ग का कर रहे हैं क्या 5 मिलियन के लिए. हाँ लेट्स मेक 5 मिलियन व्यूज ASAP. वी नीड अभी लास्ट में 64 के views more. Hashtag लगाती हूँ. आई यू से हैशटैग वायरल पब्लिक स्केड्यूल का क्यों आ रहा है, स्केड्यूल नहीं चाहिए मुझे. पब्लिक भी होता है, पोस्ट है ना इसका तो पता है. लिंक भी डालना आप ही, देखो इस तरीके से आ रहा है. हाँ हाँ सही है, ठीक है ना, ये कर दूं पोस्ट. लेट्स मेक 5 मिलियन व्यूज ASAP, वी नीड 64K व्यूज मोर. आई विल अपलोड अ स्पेशल व्लॉग आफ्टर हिटिंग 5 मिलियन. कर दूं अपलोड पोस्ट. दिख रहे दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है पर दिख रहा है. दिखा दिखा. यस यस मैं इसको ही ना उस पर भी शेयर करती हूँ. इंस्टा ये एक्सपायर्स इन 23 आवर्स क्यों लिखा आ रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए. बहरी नानी पे शेयर करूँ, खोल के देखती हूँ. हो रहा है, हो गया हो गया हो गया हो गया. टाइटल क्या है सॉन्ग का, आई यूज इट, पोस्ट ऑन योर आवर्स के लिए होता है, आप यू कैन पोस्ट टुमारो आल्सो. आई सी ठीक है सही है. हाँ इधर लिखा आ रहा है एक्सपायर्स इन 23 आवर्स. ठीक है ठीक है. नहीं ऐसा तो नहीं होता है, अब न्यू फीचर आया पता है. अरे ये जो 2 दिन पहले लाइव की तो इस पे 80K व्यूज है. हाँ कल तो गाइस बेटा शेयर ऑन स्टोरी फ्रॉम देयर, शेयर इन फेसबुक पेज, फेसबुक पेज इसमें. मेरा फेसबुक तो मैं इतना नहीं देखती और आई थिंक ज़्यादा लोग भी नहीं देखते, उसमें सिर्फ 50K लोग हैं. देखो मेरे फेसबुक पे कितने लोग हैं. लास्ट टाइम 53K थे. पता नहीं कैसे बढ़ गए. थैंक यू कमल थापा, थैंक यू गाइस. मेरी रोने वाली वीडियोस मत लगाना प्लीज प्लीज प्लीज, यूट्यूब से भी कट करना प्लीज प्लीज प्लीज. लोग बहुत बुरा बुरा लिखते हैं, वे उसके लिए रो रही है कि वो प्लीज प्लीज.
I've gotten a really good look on you. Thank you. अभी ट्राई टू कम लाइव ऑन यूट्यूब, आपके यूट्यूब चैनल बूस्ट होगी 7 मिनट की जल्द. उसके लिए तो मेरे को तमाशा डालना पड़ेगा पूरा, बता रही हूँ मैं. इट्स फाइन बड़ी, जस्ट शेयर इट ऑन फेसबुक. मैं लाइव खत्म करके बात करूँ, इससे पता नहीं होगा इसमें फेसबुक है. धीरे 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 कहाँ फेसबुक, ये रहा फेसबुक. मैं तो फेसबुक खोल के भी नहीं देखा. देखो तीन फेसबुक है, विनोद कुमार सिंह. नहीं हम अली से खोलेंगे, अभी खुल जाएगा ये. हेक शेक हो गया तो चेक योर नोटिफिकेशंस ऑन अनदर डिवाइस. उस ये है अभी मीम टीम कीप गोइंग. ओ यस इट्स सो गुड. मीम बहुत अच्छी बना रहे हो आप लोग. आयुष के फेस यूज करो मीम के लिए. मेरे पास इतने सारे ना आयुष के फेसेस. मैं पहले कितनी ज्यादा स्क्रीन शॉट लेती थी. ओ माई गॉड ये कितने ज्यादा देखो. फिल्टर भी लग गया यार. ठीक है सुशी. हाँ बहुत सारी स्क्रीन शॉट है बस आयुष की. ये देखो, जब मुझे वो कान का चाहिए था ना तो मैंने आयुष को ये दिखाया था है, और उसने देखो मुझे क्या दिलाया, इतना बड़ा. मतलब इट्स लाइक कि व्हेन यू आप अल्लाह ताला से एक फ्लावर मांगते हो और अल्लाह ताला आपको बुके देते हैं ना फ्लावर का, वैसे. मतलब मैंने अल्लाह ताला से तो अल्लाह ताला के थ्रू ही मांगा था ना. तो देखो ये मांगा था मैंने, मुझे आयुष देखो कितना बड़ा दिया. ये भी मैंने स्क्रीन शॉट, मैंने आयुष को ये दिखाया था, मुझे इतने ऐसे चाहिए ऐसे. ठीक है ऐसे करके बोला था उसने मुझे. क्या मैं अभी भी ऐसी हंसती हूँ देखो. वाई यू मेक योर फेसबुक मोनेटाइज, इट गिव्स बूस्ट. पैसे आएंगे वहाँ से, पैसा ही पैसा होगा. ठीक है कर दूंगी. डन हो गया, डन. ये देखो आयुष की स्क्रीनशॉट्स रखती थी मैं, जब मैं आयुष की लाइफ में छुप के जाती थी. बहुत पुरानी है. और देखो मेरा यूट्यूब पहले के, जब आज जब मैं फेमस होना स्टार्ट हुई थी ना, जब मैं मोमोज वाला डाला था ना, उस पर 4 घंटे में 22K व्यूज आए थे. ठीक है, और उसके कुछ टाइम बाद मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स थे, 10K हो गए थे. ठीक है, आयुष भाई की मम्मी भी डांस पोस्ट किया है. हाँ देखूंगी, शायद देखा है मैंने. देखो मेरी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुई थी 29K सब्सक्राइबर्स में भी. क्यों? देखो वो पैसों वाला निशान नहीं है ना इधर, ठीक है. फिर मेरे 29K हुए थे. कितनी ज़्यादा अकाउंट मॉर्निंग आती थी, 791K. मेरे 5 लाख थे सब्सक्राइबर्स जब मैं फेमस हुई थी. अकाउंट मॉर्निंग, रोज़ अकाउंट मॉर्निंग आती थी, रोज़ इतनी ज़्यादा अकाउंट मॉर्निंग आती थी. देखो मेरे 30K सब्सक्राइबर्स भी हुए थे. सब लेते क्या स्क्रीनशॉट, मेरे पास भी पड़े हैं. फॉलोवर्स आप ही. आप लोगों की वजह से हो गया. ये देखो आयुष को मैंने फर्स्ट टाइम ये मैसेज किया था, किस नहीं किया करो मुझे बहुत बैकलैश मिलता है. सॉरी यार, वो मेरा फ्लो में आ जाता है यार. आई विल कंट्रोल मैम, प्लीज़ थोड़ा ख्याल करो, थैंक यू. बस इतनी बातचीत हुई थी हमारी. कितने क्यूट थे ना हम. मैम और शेयर करो, मजा आ रहा है ये सब. मैंने आयुष को फर्स्ट टाइम कॉल लगाई थी तो मैंने उसकी भी वो लगी थी, स्क्रीनशॉट ली थी.
कब लगाई थी? 11 फरवरी 2023। वो भी ये पूछने के लिए लाइव आओगे कि नहीं आओगे? मैंने अपने इस वाले फोन का जो लाइव में ही दिखता उसका वॉलपेपर ये रखा था, ये इसने मुझे अपनी शेयर की थी जब इखोरम आया था, इखोरम आया की शूटिंग हो रही थी या पता नहीं, तो मैं ये रखा था, इखोरम आया थी पता नहीं क्या थी। और आयुष से मेरा 100 के इंस्टाग्राम पे वो किया था। हाँ ये सात समंदर पे 5 मिलियन हुए थे। कब हुए थे? 15 अप्रैल। यार स्क्रीनशॉट्स भी कितनी मेमोरीज कवर करके रखते हैं ना, मतलब संभाल के रखते हैं। अच्छा लगता है हमारी ना वो कॉल की चैट की स्क्रीनशॉट मैं लेती हूँ ना कभी कभी, आयुष मुझे हंसाता था ना, उसकी भी है मेरे पास। आयुष ना चॉकलेट खाते अपने दांत पे लगा लगा के हंसा रहा था मुझे। पार्टी का और बहुत सारी यार, इस फोन में मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। ये वाला फ़ोन मैं इसलिए बिल्कुल भी बाहर नहीं लेकर जाती ना, इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसमें क्या है, बस इससे जब मैं लाइव आती हूँ ना तो दूसरी लाइव देख रही होती हूँ, मतलब दूसरी लाइव इन सेंस आयुष की लाइव करके देख रही होती हूँ या गाने लगाए होते हैं, बस इसके अलावा तो मैं इसमें कुछ भी नहीं देखती। ये मुझे आयुष ने मिली थी कि तुम ऐसी तो नहीं हो, ये लड़का है और उसने मास्क लगाया है, आयुष मुझे भेजा था क्या तुम ऐसी तो नहीं हो। अरे मैं इतना हंसी थी उस वक्त, आई वाज लाइक अरे यार क्या है ये बंदा। मैंने ये भी रखा हुआ है, वो गंदी गंदी वीडियोस लगा के गालियां वगैरह देते थे, मैंने वो स्क्रीनशॉट भी रखी हुई है। ये तो ना रखो यार, अल्लाह को तो दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको तो सब पता है, लेकिन मैंने रखा हुआ है कि किसने क्या किया उस टाइम मेरे साथ। मत रखो यार, बुरी चीजें तो काट ही दो। ये किसी ने स्क्रीनशॉट लगाई थी, मुझे बहुत प्यारी लगी थी तो मैंने स्क्रीनशॉट ली थी। क्यूट है ना। हाँ ऐसे ऐसे मोमेंट्स, ऐसे ऐसे पिक्चर्स बड़े स्वीट लगते हैं यार। इलेवन इलेवन हो गए। मैं आयुष को दिखाती थी कि देखो जैम को, जब जेनी न्यू न्यू आई थी ना। हाँ आयुष ऐसी शर्ट्स नहीं पहनता, लेकिन उस दिन आयुष ने ऐसी पहनी थी, मुझे बहुत प्यारी लगी थी। अरे उसमें फिल्टर लग जाता है यार। 11:11 सेस ओके ओके एवरीवन प्रे, फिर हम चलते हैं ठीक है। सबको 11:11 याद रहता है यार। चलेगा इस दो चलते नहीं, वो शेयर करो ना। आमीन आमीन आमीन। ज-
जब मैं न्यू फेमस हुई थी ना नेपाल में, तो ना लोग इस तरीके से लाइव आना स्टार्ट हो गए थे, तो मैं वो स्क्रीन शॉट भी रखती थी. लोगों ने ये ट्रेंड सा बना दिया था. एंड देन आयुष का इकोरो माया आई थिंक जब आया था, ये जबकि केक कटिंग भी थी, तो मुझे इसका केक बहुत क्यूट लगा था. देखो आमीन. आयुष ने मुझे ये स्क्रीन शॉट भेजी थी, मुझे सॉरी पिक्चर क्लिक करके भेजी थी. अच्छा यार. हाँ थैंक यू. जब मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया था 12 मार्च को, देखो 0 फॉलोवर्स ये वो, अभी तो माशाल्लाह फिर 58 है जो मेरा फेक है उस पर, तो पता नहीं 1 लाख कितने यार. ओ माय गॉड. हम दोनों का सिल्वर प्ले बटन. आयुष ने अपना भी नहीं दिखाया था, मैंने अपना नहीं दिखाया था जब तक आयुष का नहीं आया था. हम दोनों ने साथ दिखाया था, साथ. ये चीजें अच्छी लगती है ना कि साथ. इस वाली लाइफ में आयुष बहुत सैड था, सॉरी फिल्टर लग जाते, लेकिन इस वाली लाइफ में आयुष बहुत सैड था. ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज डैड, मुझे बहुत रोना आ रहा था उस दिन. बहुत कुछ देखा यार हम दोनों ने साथ, कसम से. कुछ ज्यादा ही मेमोरी शेयर हो गई ना. मैंने आयुष को बताया था कि ये वाला ड्रेस पहनना, ऐसे पहनना, ये पहनना, वो पहनना. मैं आयुष मुझसे पूछता था ना कौन क्या क्या लूँ, तो मैं उसको ऐसे करके हमेशा आज अभी भी ऐसी करती हूँ. जब भी शॉपिंग करता है ना वो मुझे भेजता है क्या क्या लूँ, ये तो मैं उसे बताती हूँ. हाँ ये वाले लो, ये वाले लो. ये आप लोगों को नहीं पता था लेकिन मैंने इस तरीके का भिजवाया था उस पर, याद है आप लोगों को. बट ये किसी और का है, मैंने इस तरीके का वो करके भिजवाया था. ये तो स्क्रीन शॉट है सिर्फ. यार कितना अच्छा लगता है ना ऐसे मेमोरी शेयर होती है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है. मतलब बंदा ना खो जाता उन यादों में, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, और स्क्रीन शॉट इतने सारे, मतलब हर एक मेमोरी का, अच्छी का, बुरी का, इस टाइम ये हुआ था, इस टाइम ये हुआ था, और हर एक स्क्रीनशॉट याद है. मतलब कि इस टाइम पे सैड था, ये इसलिए लिया था, ये इसलिए लिया था, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था. मतलब ओह बहुत नॉस्टैल्जिक सा फील होता है मुझे तो. पर रोए क्यों वो मुझे कमेंट करके बताना कि वो रोए क्यों. और थैंक गॉड मैंने उस वाली वीडियो पे वो नहीं किया, बिकॉज उन्होंने बोला भी है कि मत लगाना यार, लोग गलत गलत बोलते हैं. बट मैं देखना जरूर चाहूंगी कि वो क्यों रोए. अगर आप में आपको आप में से किसी को बात पता है तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा. बट या अब तो जल्दी से आयुष और रेली जी को साथ में देखें. पहले तो लाइव साथ में आए, मतलब वैसे साथ में, बट फिर वो नेपाल आएंगे तो वैसे साथ में, यही देखना अब तो. बट या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ यू डू देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.